नमस्कार साथियों, ये जो आपको दिख रही है प्याज की फसल है और हमने इसकी नर्सरी तैयार की थी। तो हमने नर्सरी तैयार करने के बाद में फिर इसको निकाला है और निकालने के बाद में रोपण करेंगे। तो जब आप नर्सरी तैयार करो तो इसकी नर्सरी तैयार करने के बाद में जब आपकी फसल कम से कम भी 50 दिन की 40 दिन की हो जाए तब आप इसकी पौधे को उखाड़ के ला सकते हो। फिर लाने के बाद जब अपन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करते हैं तब इसको कौन सी दवाई के अंदर इसको डिप करवा के लगाए तो इसकी जड़ें बढ़िया रहे और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। तो जैसे ये दिखाई दे रहा है, हमने इसमें गौमूत्र डाल रखा है, गौमूत्र के साथ में चूना ऐड कर रखा है और इनको ऐड करने के बाद में फिर इसको डिप करवा रहे हैं। जैसे इसकी जड़ें दिखाई दे रही होगी आपको, इसमें पूरे में डिप करवाने के बाद में फिर लगाएंगे। अब हमने इसमें गौमूत्र और चूना कितना लिया है, तो आप 1 लीटर पानी के अंदर आप कम से कम 15-20 ml गौमूत्र मिला सकते हो और उसमें 10-1 ग्राम के लगभग चूना ले सकते हो। उसमें लेने के बाद में फिर इनकी जड़ों को इसमें डिप करवानी रहती है। डिप करवाने के बाद में फिर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहे वो बनी रहे और इसमें कोई ज़्यादा डिजीज नहीं लगे, तो इससे कर सकते हैं अपन। अब ट्रांसप्लांटिंग कैसे करना है हम आपको आगे बताते हैं। जैसे कि हम इसको ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, इससे ही हमने गौमूत्र के अंदर इसको डिप करवाया है। डिप करवाने के बाद में इसको यहाँ पर लगा दिया और ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इसमें पानी कब पिलाना चाहिए, तो जैसे हम लगाएंगे तो इसको 1-2-3 के अंतराल पर इसमें पानी चला देंगे। फिर जैसे इसमें थोड़ी बहुत सूखा दिखेगा तो कम से कम भी 8-10 दिन के अंतराल पर फिर वापस इसमें पानी चला देंगे। तो इसी प्रकार आप पानी चला के इसको लगा सकते हो। और आगे की जानकारी के लिए फिर आगे बने रहें। धन्यवाद साथियों।